हरदोई जनपद में हो रही चोरियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज थाना शाहबाद पुलिस टीम थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग में मामूर थी। तभी सूचना प्राप्त हुई कि एक शातिर चोर मोटरसाइकिल पर ग्राम दिलावरपुर थाना शाहबाद की तरफ जा रहा है। थाना शाहबाद पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु घेराबंदी की गई। ग्राम दिलावरपुर के निकट मिलन ढाबा के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्त द्वारा खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें जनपद में चोरी की घटनाओं में वांछित शातिर अभियुक्त कमरुल पुत्र अन्ना उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम काजीपुरा थाना बिलग्राम के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त कमरुल के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, चोरी के आभूषण एवं मोटरसाइकिल बरामद। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी शाहबाद ले जाया गया। पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का किया गया निरीक्षण। अभियुक्त कमरुल के विरुद्ध जनपद हरदोई व कन्नौज में चोरी व गैंगस्टर एक्ट आदि सहित करीब 2 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। इसके साथ मुठभेड़ हुई है, कौन घायल हुआ है? मैं केशव चंद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक हरदोई। कल रात हमारे शाहबाद थाना क्षेत्र के सांडी रोड में कुछ चोरों की सूचना मिली थी, जिसमें कि 3 चोर पकड़े गए थे शस्त्रों के साथ और सोने चांदी जेवरातों के साथ, और इनमें से एक सरगना भागने में कामयाब रहा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने रात में कॉम्बिंग किया, शाहबाद पुलिस और हमारी टीम स्वाट की टीम ने, तो दिलावलपुर के पास थाना शाहबाद में उक्त फरार हुए अभियुक्त ने पुलिस पर फायर करना शुरू किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिससे कमरुल पुत्र अन्ना निवासी काजीपुरा बिलग्राम घायल हुआ है और उसे यहां जिला अस्पताल में लाया गया है। उक्त अभियुक्तों द्वारा लगातार पिछले महीने शाहबाद और उसके आसपास क्षेत्रों में कई जगह चोरियां की गई थी घरों से, जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही थी और तलाश पतरसी की जा रही थी, जिसमें यह परिणाम सामने आया। मुठभेड़ के दौरान भी पुलिसकर्मी भी है? मुठभेड़ के दौरान हमारा सिपाही है अनु, वो घायल हुआ और एक दो सिपाही और फिर पड़ने से घायल, उनका इलाज कराया जा रहा है।